नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 कल 24 मार्च के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहेंगे। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया, आज मार्केट में कैसा दिन रहा। दोस्तों, पहले तो सबसे पहले निफ्टी ने हमें कैपिटल ओपनिंग दी 217,100। इसके बाद दोस्तों, पहली ही कैंडल से मार्केट नीचे की तरफ चली गई 17,050 के आसपास, 17,050 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया। और इसके बाद इसी लेवल से मार्केट में एक पुल बैक मिला, डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर गई और फिर कंटिन्यूसली मार्केट में एक हमें अपसाइड ही मोमेंटम देखने को मिला। धीरे धीरे दोस्तों मार्केट ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश करती रही और तकरीबन 17,200 के लेवल्स के आसपास जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाई खड़ा हुआ था जहां से मार्केट ने एम पैटर्न बनाते हुए एम फॉर्मेशन की ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट चलने लग पड़ी। दोस्तों, लास्ट में आकर मार्केट ने हमें एक 17,150 लेवल्स को यहाँ टेस्ट भी करवाया और इसके बाद दोस्तों फिर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरी और क्लोजिंग जो हमें मिली है वो मिली है 17,076 लेवल्स के आसपास। अब बात करते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकती है। तो दोस्तों, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो डीजीआई इस टाइम पर वीडियो बनाते समय तकरीबन 178 पॉइंट्स प्लस में है। नैस्टैक की अगर हम बात करें तो एनडीएक्स यहाँ पर तकरीबन 211 पॉइंट्स पे है और S&P इंडेक्स की अगर हम बात करें तो प्लस 34 पॉइंट्स के साथ। S6 निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो S6 निफ्टी यहां पर तकरीबन प्लस 40 पॉइंट्स के साथ यहां पर चल रहा है। दोस्तों, ये सभी चीजें कल मार्केट में आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग, एक हल्का फुल्का गैप अप मार्केट में दे सकती हैं। मतलब कल मार्केट आपको ओपनिंग के तरफ इसी लेवल पर 17,115 इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपनिंग दे सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से ओपनिंग देती है तो फिर हम किस तरफ यहाँ पे मार्केट में जाएंगे वो हम देखेंगे। दोस्तों, हमें यहाँ पर नोटिस करना है कि अगर हमें कॉल साइड में बैठना होगा तो तब तक हम वेट करेंगे जब तक मार्केट आपको इस लेवल 17,050 का लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तभी हम सिर्फ यहाँ पे कॉल साइड में बैठने वाले हैं और फिर आपके जो टारगेट्स ऊपर की तरफ हम प्लान कर सकते हैं वो 17,200 और माफ कीजिएगा 17,200 का आप टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो इसके ऊपर। और जो आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे वो पहला टारगेट आपको 17,200 और 17,225 तक का इजीली मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ इस तरफ से रिजेक्शन लेती है तो दोस्तों, अगर मार्केट इस गैप अप ओपन होने के बाद इन्हीं लेवल्स के आसपास रिजेक्शन लेती है तो हमें याद रखना है कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है मार्केट में 17,060 के आसपास, 17,060 के आसपास। तो हमारे जो शॉर्ट पोजीशंस होगी वो मार्केट में 17,100 लेवल्स के नीचे निकलते ही पुट की पोजीशंस पे हम बैठ जाएंगे और टारगेट्स आपके फिर नीचे की तरफ पहला 17,060 और दूसरा 17,000 तक का रह सकता है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें बिकॉज उसके अंदर जो लेवल मार्क करता हूँ आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।